आज के वीडियो में हम बात करेंगे विद्रोही का। शरद मल्होत्रा वाला टीज़र रिलीज़ हो गया, यानी टीज़र में शरद का क्या रोल है, क्या स्टोरी है और कैसा लुक है, सब आ चुका है। तो आज हम उसी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेनी मसाला दी। अगर आप चैनल बनाए हैं तो हम हर सेलिब्रिटी से जुड़ी अपडेट लाते रहते हैं और चलिए अब शुरू करते हैं। तो स्टार प्लस ने कल रात 12 बजे से थोड़ा पहले विद्रोही का नया टीज़र शेयर किया। अभी तक रिलीज डेट नहीं आई है, लेकिन इस बार शरद का रोल आ गया। आपको पता है विद्रोही की स्टोरी जो है हीमा इंगल के कैरेक्टर पर ही फोकस हो गया। बता दिया शरद का क्या रोल है, और वो ये कि हीमा इंगल की जो कैरेक्टर थी कात्यायनी, उनकी शादी होगी शरद से और वो स्टोरी में दिखाया जाएगा कि वो चाहती है कि वो एक योद्धा बने ना कि दुल्हन। और वहाँ हमें शरद का रोल दिखा जाएगा जो एक आदर्श पति की तरह काम करेंगे। इन दोनों की शादी को देख के वीरबानी की शादी याद आ गई, और जैसी अभी सिचुएशन है लगता है धीरे धीरे दोनों को प्यार होगा, क्योंकि टीज़र के अंत में शरद और कात्यायनी दोनों को योद्धा के रूप में दिखाया जाता है। तो इसका मतलब है शरद उनको सपोर्ट करेंगे और सपोर्टिंग हस्बैंड का शरद रोल निभाने वाले हैं, जहाँ वो साइड कैरेक्टर का काम करेंगे और मेन लीड होगी हीमा इंगल। तो आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, क्या आप इस रोल से खुश हैं, शरद सेकेंडरी साइड कैरेक्टर का टाइप रोल निभा रहे हैं। और हम आपको बता दें सुरभि चंदा ने अपने नए वीडियो डालना शुरू किए हैं जहाँ वो जिम कर रही है, इसका मतलब वो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो रही हैं, कोई ऐड या ऐसा ही कुछ। तो आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या इस मंथ सुरभि का कोई प्रोजेक्ट आएगा, यस या नो। और आज की खबर में इतना ही।